वेलकम बैक टू अवर चैनल लाइफ इन ट्रेडिंग। एंड कल के लिए बेस्ट 4 स्टॉक्स है अपने पास जिसमें हम लोग ट्रेड लेंगे। इवन निफ्टी का भी कंडीशन शेयर करेंगे। जैसे हम बोले थे धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाएगा, लेकिन एक बार में अपसाइड का उम्मीद नहीं करेंगे, धीरे धीरे ऊपर जाएगा। उस पर भी आते हैं हम लोग। सबसे पहला नंबर स्टॉक अपने पास DLF। एंड DLF को देखेंगे तो ये सपोर्ट लेने लगा है, इवन रेसिस्टेंस को ब्रेकआउट देने वाला है। इसका एक स्ट्रांग रेसिस्टेंस है जिस रेसिस्टेंस को ये तोड़ने का कोशिश कर रहा है। अगर कल के दिन ये प्रीवियस रेसिस्टेंस यानी कि प्रीवियस हाई, आज का जो हाई है ये प्रीवियस हाई होगा, यानी कि 376 के ऊपर अगर ये जाता है तो हम लोग यहाँ पर बाई कर लेंगे। एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे लो पे, 368 का अपना स्टॉप लॉस पॉइंट होगा। फर्स्ट टारगेट रहेगा 392 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 409.65 रुपीज़। सेकंड नंबर स्टॉक है अपने पास गोदरेज प्रॉपर्टीज। एंड गोदरेज प्रॉपर्टीज भी सपोर्ट लेने लगा, रेसिस्टेंस लेवल के पास ट्रेड कर रहा है। प्रीवियस हाई यानी कि आज का जो हाई है, इस हाई के अगर ऊपर जाता है तो बाइंग मोमेंटम हम लोग को देखने को मिलेगा, यानी कि बाई अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम लोगों को। तो हम लोग वेट करेंगे कि गोदरेज प्रॉपर्टीज 1223 के ऊपर जाए तो हम लोग यहाँ पे बाई करेंगे। लो पे स्टॉप लॉस लगाएंगे 1192 का। इन केस मार्केट ऊपर जाकर नीचे गिरता है तो हम लोग एग्जिट ले लेंगे स्टॉप लॉस सेट होने के बाद, उसको कैरी नहीं करेंगे कि नहीं थोड़ा और होल्ड कर लेते बाय चांस ऊपर, ऐसा नहीं करना। ये गलती करने के चक्कर में काफ़ी बड़ा नुकसान हो जाता है, तो जो भी छोटा लॉस है उसको लेके निकल जाने में भलाई है। फर्स्ट टारगेट रहेगा 1293 एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 1359। थर्ड नंबर स्टॉक है अपने पास जुबिलियंस फूड। एंड जुबिलियंस फूड को देखेंगे तो ये भी रेसिस्टेंस लेवल के पास में ट्रेड कर रही है, इवन यहाँ से सपोर्ट लेने लगा है। अभी ये काफ़ी हाई वॉलीटाइल स्टॉक है, अगर ये ब्रेक करता है तो मे बी एक ही दिन में टारगेट भी अचीव कर देंगे। तो हम लोग को वेट करना है कि जुबिलियन फूड्स 503 के ऊपर जाए। इसके ऊपर जाएगा प्रीवियस यानी कि आज का हाई के ऊपर तो बाइंग प्रेशर देखने को मिलेगा, हम लोग वहाँ पर बाई कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाएंगे 494 रुपीज़ का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 516 रुपीज़ एंड सेकेंड टारगेट रहेगा 534 रुपीज़। फोर्थ नंबर जो कि लास्ट स्टॉक्स है अपने पास, वो हम लोग के पास फाइन ऑर्गेनिक्स। एंड फाइन ऑर्गेनिक्स को देखेंगे तो ये एक रेसिस्टेंस लेवल को ब्रेकआउट दे चुका है, इवन ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट भी यहाँ पे देखने को मिला। अब प्रीवियस जो हाई यानी कि आज का जो हाई है इसके ऊपर ही हम लोग का बाइंग जोन बन जाएगा। तो हम लोग वेट करेंगे कि फाइन ऑर्गेनिक्स 5731 के ऊपर जाए तो हम लोग इसको बाई करेंगे। स्टॉप लॉस लगाएंगे 5582 का। फर्स्ट टारगेट रहेगा 5993 एंड सेकंड टारगेट रहेगा 6322। अब निफ्टी पे हम लोग थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि निफ्टी यहाँ पे क्या करने वाला है। तो निफ्टी ओवरऑल जो रेसिस्टेंस था वहाँ से रेसिस्टेंस लग के नीचे गिरा, लेकिन धीरे धीरे देखिए मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। नीचे गिरने के बाद वापस से बाइंग प्रेशर देखने को मिला। अभी भी मार्केट एकदम से वॉलीटाइल, मतलब बुलिश नहीं हुआ है। बुलिश कब होगा? जब ये अपसाइड का जो रेसिस्टेंस है इस रेसिस्टेंस को जब ये तोड़ देगा तब बुलिश मोमेंटम देखने को मिलेगा। तब तक मार्केट धीरे धीरे इसी तरीके से साइडवेज रहेगा। अब अगर मार्केट इस हाई को तोड़ता है तो फिर 18,250 का जो रेसिस्टेंस लेवल है वहां तक मार्केट जाएगा, फिर धीरे गिरने का कोशिश करेगा। लेकिन गिरने का मतलब ये नहीं कि वापस सपोर्ट तक आ जाए, हो सकता आ सकता है, लेकिन चांसेस कम है गिरने के बाद वापस फिर यहां से सपोर्ट लेकर ऊपर जाए। तो कुछ इस तरीके से मार्केट धीरे धीरे अपसाइड जाने का ही कोशिश करेगा। बैंक निफ्टी को देखेंगे तो बैंक निफ्टी का भी सेम वही स्ट्रक्चर बना हुआ है पूरा। बैंक निफ्टी का रेसिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, रेसिस्टेंस टूटा प्रीवियस जो सॉरी हाँ रेसिस्टेंस टूटा, अब उसके बाद मार्केट क्या कर रहा है, सपोर्ट ले रहा है। इवन आज मार्केट गिरा भी तो ये सपोर्ट का ऐसा काम कर रहा है, ये लेवल ठीक वहीं से वापस मार्केट ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। ओवरऑल जो मार्केट का भी स्ट्रक्चर है धीरे धीरे पॉजिटिव साइड जाने का कोशिश में लगा, मतलब कि मार्केट धीरे धीरे अपसाइड में जाएगा। लेकिन अपसाइड में जाएगा तो बैंक निफ्टी लास्ट जाएगा तो 43,500 तक जाएगा, यानी कि ये रेसिस्टेंस को अगर मार्केट तोड़ता है तो फिर अपसाइड मोमेंट देखने को मिलेगा, वरना धीरे धीरे मार्केट वहाँ से नीचे गिरेगा। अब ये रेसिस्टेंस टूट जाए तो फिर अपसाइड में एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम मिलेगा। तब तक के लिए मार्केट इसी तरीके से स्लो धीरे 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 अपसाइड में जाने का ही कोशिश में लगा रहेगा। तो होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। एंड ओवर ट्रेडिंग नहीं करना, ओवर ट्रेडिंग को स्किप करना है, साथ ही साथ देखना है स्टॉप लॉस पर भी ध्यान देके कि अगर बाई चांस अगर रिवर्सल आता है और स्टॉप लॉस हिट होता है तो अपने को कितना लॉस होता है, तो उसके हिसाब से क्वांटिटी अपने हिसाब में रखना है। बाय।